बड़े अच्छे लगते हो। किनू बाबा बार आया, किनू बाबा बार आया है, मोटुड़ा ही बार आया है। और वो तो चैंकड़ भैसा बैठा है, और ये ऊपर से देख रहा है। ये आप देख लीजिए दोस्तों, खुले में घूम रहे हैं। शाम के समय हम सिर्फ इनको पिंजरे में डालते हैं, क्योंकि रात में नींद आ जाती है तो पता नहीं चलता कि कोई आ जाए, बिल्ली वगैरह या कुत्ता भी आ सकता है। मगर दिन को तो हम सारा दिन इन्हीं की देखभाल करते रहते हैं बस, तो दिन में ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है। इनको अगर आप खुले रखोगे ना तो बढ़िया रहता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता है कि हम कहीं मतलब कैद हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, पिंजरे में, एक पिंजरे के अंदर मैंने दो खरगोश लड़ते थे, तो एक के मैंने एक को थोड़ा मैंने पिंजरे में रखा था, तो फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ ही ख़त्म होने लगी। पीछे पीछे से मैंने देखा तो वो बैठे बैठे रहता था ना, तो पूंछ उसकी पतली पड़ गई। तो फिर मुझे पता चला कि यार पिंजरा कितना खतरनाक होता है, यानी कि अकेला सारा दिन उसमें रहता है, और इधर उधर बस उसके दिमाग में एक जेल जेल वाली फीलिंग आ जाती है इस पिंजरे में। मैं मना नहीं करूँगा, पिंजरे में मत रखो, मगर अगर आप घर के अंदर है तो दरवाजे वगैरह बंद करके इनको थोड़ी देर खुले में छोड़िए, जिससे क्या होगा कि ये लोग थोड़ा इंजॉय कर पाए। बाकी क्या होता है कि दोस्तों वो देखो ये भी एंजॉय करते रहते हैं। जितना आप इनको खुले रखोगे तो आराम से ये रह पाते हैं। और ये दादी माँ तो बस देखो रेत के अंदर कैसे बैठी है, ये पूरी रेत है, बस मौज कर दिए मौज। जी, जहाँ पर मर्जी आए गड्ढा बनाया और उसके वहाँ पर बैठ गए हैं। पहले वाले हमारे जो खरगोश थे वो खभी बना के मतलब रहते थे, अभी वो क्या हुआ कि जो पहले थे वो दोनों एक्सपायर हो गए। अभी जो दूसरे वाले हैं, ये वाले, ये इनको मैंने गड्ढे वो जो कभी खोदना ही नहीं, मतलब नहीं नहीं दिया। जब भी कभी कभी खोलते थे हम उसको भूर देते थे। और ज़्यादातर खब्बी जो है ना वो लेडीज़ फीमेल जो होती है वो ज़्यादा गड्ढा खोदती है और खब्बी बनाती है, क्योंकि उनको बच्चे देने होते हैं ना इसीलिए। और मेल कम ही मेहनत करते हैं, आप कहीं भी ले लो, औरत ज़्यादा मेहनत करती है तो आदमी कम मेहनत करता है। और वही वाली हालत है, ये जानवर हुए तो क्या हुआ, मेहनत जो होती है इनमें माँ ही करती है ज़्यादा। वो कभी बनाती हैं, फिर वहाँ बैठती हैं, बच्चा न भी दे तो भी वो उसको अंदर रहना अच्छा लगता है। पता नहीं उनको अलग से बैठकर अच्छा लगता है, नहीं बेटा कुकड़ी बेटी। और ये जोड़ी है, वो मेल है और ये फीमेल है, ये मेल है, ये बड़ा क्यूट है। देखो इनके लिए ये अपने हाथों से मैंने बनाया, और ये बनाया मिट्टी से, तो है ना बढ़िया मस्त। बनाना चाहे तो यार कुछ भी बना सकते हैं। हमने इसमें कुछ लगाया, जैसे लागत तो इसमें कुछ भी नहीं आई है। अगर मान लो ईंटें होती मेरे पास तो इससे और भी बढ़िया बना सकता था, मगर ईंटें थी नहीं, तो हमने बिना ईंटों की मदद से इनको ये बनाया है।
बाकी बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और यही हमारे रैबिट की दिनचर्या है रोजाना की। अभी दिन के 5 बजे हैं शाम के, और अभी इनका बाहर निकलने का मूड नहीं है। ये यहाँ पर देखो, ये पत्थर चढ़े हुए हैं, तो अभी ये शेर जो होता है ना, शेर वाली इसके मन में जो है ना वो आदत है। शेर कैसे उसको चकमा दे के पीछे पड़ता ना, उसी तरह ये सिर्फ अकेला है, ये ऐसा नालायक, बाकी दूसरे कोई नहीं है। और ये जो बंदा है ना, ये वाला, ये संत आदमी है, संत है। ये सारा दिन भक्ति करता रहता है और अकेला बैठा रहता है। तो आप मेरे इस किनु बाबा के लिए ज़रूर लाइक करना, क्योंकि अगर सियारों की बात अगर आप पूछोगे ना, तो सबसे जो सियाना है वो ये है। ये हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता, सारा दिन हमारे वहाँ आता रहता है, हमारे पास आता है, खाता है, पीता है, और कुछ भी दुख नहीं देता है ये। तो हम उसे संती बोलते हैं, वैसे इनका नाम किन्नू है। और वो वाला है ना, दूसरा छोटा वाला, वो मेंडू है, और उसका नाम है चेंकड़ बैसा। ये वाली जो है ना, इसका नाम है चेंकड़ी, और उसके पास में है वो है जो, उसका नाम है मेंडू। और ये है सबसे हट्टा कट्टा, और इनकी आदत तो आप देख ही लीजिए, है ना, सबसे हट्टा कट्टा। ये अपने आप में मस्त रहता है बस। तो हमने इसका नाम अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर इनको प्यार करते हैं, ज़्यादा सफ़ेद की वजह से नहीं, इसका नेसरी ऐसा है इसीलिए, है ना दोस्तों। और इस सैंकड़ी को, ये वाली है ना, ये बड़ी क्यूट है, इसको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।